हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हालांग वे, जो कि हैनोई का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि आपको मस्ट विजिट है। अगर आप हैनोई आते हैं तो आपको वहां जाना ही चाहिए। ये हमारा पीछे आप देख सकते हैं होटल, जो कि हैनोई का ओल्ड सिटी या ओल्ड क्वार्टर बोलते हैं उसको। तो हैनोई ये बहुत ही पुराना शहर है, हजारों साल पुराने इनके कल्चर। तो ये हैनोई का ओल्ड सिटी में ये होटल, यहाँ पे सब नैरो होटल ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे सब पुराना है, सब नैरो होटल इसी में ही आपका सब कुछ है। ये हमारा होटल। अभी जस्ट हम ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, और यहाँ आपको सुबह सुबह निकल जाना पड़ता है हालांग बे के लिए, जो कि थोड़ा सा दूर है। और आपका क्रूज जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वही लोग आपको पिकअप करेंगे लिमोजिन बस के थ्रू। लिमोजिन बस यहाँ पे उसका नाम है, जो मीडियम 10 सीटर बस वगैरह होता है, वही सब बस है। तो अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके बाहर खड़े हैं, तो जस्ट वो बस आने वाला है। बस आने से ही हम लोग अब निकलेंगे हालांग बे के लिए, तो जुड़े रहिए फ्रेंड्स। अभी हम हालांग बे का तरफ जा रहे हैं, अभी ऑन द वे हैं। हालांग बे जो कि हैनोई सिटी से 173 किलोमीटर दूर है, तो जाने में करीबन 3 घंटा लगेंगे। तो अभी हमारा ये हाईवे में स्टॉप ओवर है, यहाँ पे आप रुके हुए हैं। आप लोग देखिए, तो हालांग बे जाने के लिए यहाँ पर लिमोजिन गाड़ी वगैरह जो पीछे हमारा सब लोग का ये गाड़ी है, लिमोजिन ये बसेस वगैरह जाता है। हालांग बे पहुँचने से पहले अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ से हाईवे को ख़त्म किया। हाईवे ख़त्म करने के बाद जैसे ही ये सर्विस रोड लेते हैं, वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे आप मैरीन लाइफ वगैरह का, समुद्री जीवों का बारे में इंफॉर्मेशन सेंटर है। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अभी जस्ट यहाँ पे उसी देर का स्टॉप ओवर है, जो कि 20-25 मिनट का होगा। ये हर मतलब किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ले तो यहाँ पे स्टॉप वो लोग देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हैलोन बे के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हैं। ऊपर यहाँ पर ही हम लोग की जाने का कोशिश करते हैं। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हालांग बे। अभी एक्चुअली वेदर उतना क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन सामने पे ये जो माउंटेन्स वगैरह सब नज़र आ रहे हैं ना, स्टोन माउंटेन्स है सब, ये यही मेनली हालांग बे। यहाँ पे एक शोरूम भी बना हुआ है, जो कि हालांग बे का जो पल मिलते हैं ना हालांग बे से, उसी से ही बना हुआ एक शोरूम है, जहाँ पे आप पल ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। अभी इसका भी हम लोग एक वॉकिंग टूर देखते हैं। सारे जो पल ज्वेलरी है सब हालांग बे से ही इसका जो पल निकाल के बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा एक पल ज्वेलरी का शोरूम वगैरह बना हुआ है, जो कि स्पेशली फॉर टूरिस्ट, तो एकदम हालांग बे से पहले ही है ये। तो मैंने देखा जितना देखा सके, इसकी सब सिमिलर टाइप का सब ज्वेलरी है, सब पल लगे हुए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं हालांग बे का हार्बर साइड। ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप का साथ जाना पड़ता है। हम लोग का बिग साइज बोट है, तो वो बोट में हम लोग जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग हार्बर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हार्बर का अंदर से क्या हम लोग को बोट का कब बोट करने का टाइम मिलता है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, अभी जो पीछे देख रहे हैं ये अपना बोट है, जिसका थ्रू अभी हम हालांग बे चलेंगे। वी जस्ट स्टार्ट आवर बोट टू द हालांग बे, नाउ वी गो टू हालांग बे। भारत तो इस तरफ हालांग बे का आपका माउंटेन वगैरह नजर आ रहा होगा।
is our boat name? Wrong. You see the picture here? There's a rock on the right side in front of the boat. And this rock, it is called a moon. ये हम लोग लेक का अंदर घुस चुके हैं, जो हालांग बे का जो लेक है बड़ा सा। आगे आप देख सकते हैं चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। और यहाँ अभी हमारे पीछे जो आ रहा है वो है चिकन रॉक, जो कि हालांग बे का जो आइकॉनिक जो व्यू होता है, जहाँ भी देखिएगा सिंबॉलिक ये चिकन रॉक का ही दिखाता है, वो अभी हमारे पीछे ही आने वाला है। के अंदर जो आप माउंटेंस वगैरह देख रहे हैं, ऐसा टोटल 2000 माउंटेंस है, जो कि स्टोन माउंटेंस है। यहाँ पर मतलब आबादी ना के बराबर है, कुछ ही आबादी है जो कि फिशर लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग पाल वगैरह उठाते हैं, और जो मरीन से जो भी मिलता है खाना वाना वही सब खाता है, सी फूड वगैरह वही सब है। और बाकी यहाँ टूरिज़म के लिए बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ टूरिज़म पर्पज़ में आना चाहें तो यहाँ आप सब कुछ सेटअप मिलेगा। मेरा वेल मेंटेन है, तो अभी हम लोग का जस्ट लंच ख़त्म हो गया है। व्यू देखिए यहाँ से बोट का ऊपर से। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स वगैरह भी हैं जहाँ पे अभी हम लोग रुकेंगे, दो तीन एक्टिविटीज़ वगैरह भी यहाँ है। ये पूरा वन डे टूर है, वन डे पूरा यहाँ आप स्पेंड करना पड़ता है, या आप जा नहीं सकते। सुबह को यह लोग लेके आते हैं और शाम का बाद ही रात को 9 बजे तक वापस आपको हैना छोड़ देंगे। ये अभी हम अपना बोट का ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि टॉप फ्लोर है, यहाँ से व्यू और भी बढ़िया नज़र आएंगे।
यहाँ पे हमारा आलम भाई बोट को कंट्रोल करते हुए अभी हम अपना फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट का नाम है कुआभाओ। फ्रेंड्स अभी हम हाइकिंग करते हुए इसका टॉप पे चलेंगे, वहाँ से पूरा व्यू नजर आएगा। तो अभी जुड़े रहिए हमारे साथ, यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। स्विमिंग का भी यहाँ ऑप्शन है जो स्विमिंग करना चाहे, लेकिन अभी विंटर का टाइम है तो स्विमिंग पे इंटरेस्ट तो कोई मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। सब हाइकिंग के तरफ ही जा रहे हैं, हम भी हाइकिंग के तरफ ही जाएंगे। यहाँ से हाइकिंग का स्टार्टिंग है। फ्रेंड्स अभी हम ट्रैकिंग का फर्स्ट पॉइंट में पहुंच चुके हैं, जहाँ से कि बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख सकते हैं। पूरा सांस फूल जाता है ट्रैकिंग करते हुए। पूरा स्ट्रेट कढ़ाई पे है। बहुत ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा फाइनली वी रीच द टॉप। बहुत ही खड़ा हाइकिंग है। यहाँ पे आराम कर सकते हैं, फोटो वगैरह ले सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। यहाँ पे हालांग बे पे घूमते घूमते और एक हमारा भाई से इंट्रोड्यूस हो गया जो कि बांग्लादेश से है। ये भाई भी यूट्यूबर है। मैं बांग्लादेश से, सबको सलाम। आ जाइए कभी बांग्लादेश में, नहीं तो न्यूजीलैंड में घूमते घूमते। मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। एक्चुअली भाई बांग्लादेश ओरिजिन का है लेकिन रहते हैं न्यूजीलैंड में है। अभी भाई के साथ घूमते घूमते वो अभी वियतनाम में लास्ट 10 डेज से 16 डेज से वियतनाम में है। भाई से बहुत ही अच्छा लगा बात उत करके, भाई बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक है फिर मिलते हैं। अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था वो हो गया। अभी ऊपर से हम लोग हाइकिंग करके आए हैं, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से टॉप से हाइकिंग करके आए हैं। ये पॉइंट में इतना ही। अभी हम फिर वापस अपना बोट की तरफ जा रहे हैं, फिर नया और एक पॉइंट में चलेंगे। तब तक के लिए ये पॉइंट का सीनिक व्यू देख लीजिए। अभी हम अपना बोट की तरफ चलते हुए, सामने ये हमारा बोट है, वो आलम भाई हमारा बोट के ऊपर खड़े हुए हैं। अभी वापस बोट में नया पॉइंट की तरफ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये हमारा बोट। फ्रेंड्स अभी हम दूसरे एक्टिविटीज़ की तरफ जाने वाले हैं जो कि कायक राइड है। ये पास हमारे पास आ चुका है, ये कायक राइड का पास है। कायक राइड के लिए हम जा रहे हैं। सामने आप देखिएगा आगे केप का भीतर से कायक राइड के लिए हम लोग जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम बोट पे बैठ चुके हैं जो कि कायक राइड का नाम से भी है, जो इंडिविजुअल भी चला सकते हैं और
ऑपरेटर द्वारा बोट चला सकते हैं। हम लोग कॉम्बो बोट में जा रहे हैं, चाहे उधर में उसके लिए अभी टाइम भी चाहिए और स्टैमिना भी चाहिए। वो हाइकिंग करने के बाद स्टैमिना भी ख़त्म और टाइम भी अपने पास थोड़ा कमी है। ये अब्बास भाई को तो बहुत ही अच्छा, वो तो बोल रहे थे कि चलो स्विमिंग करते हुए जाते हैं, बहुत ही अच्छा स्विमर है। और ये मिस्टर सफीक भाई, सॉरी आलम भाई, हेलो। Yeah.